अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। नेटवर्क ढूंढना है तो पेड़ पर चढ़ जाओ। मोबाइल से बात करनी है तो पहाड़ी पर चले जाओ। ऑनलाइन क्लास है लेकिन इंटरनेट नहीं है। यहां कोरोना की क्या बिसात, ना सोशल डिस्टेंसिंग, ना चेहरे पर कोई मास्क। सरकार की कोई भी योजना हो, बिना मोबाइल और ओटीपी के बिना काम चलता नहीं। चाहे कोरोना के लिए टेस्ट कराना हो या वैक्सीन दिलवानी हो, आपको मोबाइल और उसका कनेक्शन जरूरी है। लेकिन सर गांव में ये स्थिति है कि हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरह से ये लोग पहाड़ियों पर बैठे हुए हैं और पहाड़ी पर चढ़कर इस तरह से दिन भर एक गांव की दिनचर्या है कि वहां जाकर लोग मोबाइल का सिग्नल पकड़ता है। और ये आसपास के 18 गांवों की स्थिति है जहां पर मोबाइल का सिग्नल कभी आया ही नहीं, और इसी वजह से गांव में जो जरूरी चीजें हैं वो भी अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। चाहे सरकार की कोई भी योजना हो या फिर स्वास्थ्य सेवाएं हैं, इस गांव में आपको कहीं भी नजर नहीं आएगी। इसलिए कि सरकारी सुविधाएं जो कुछ इंटरनेट से जुड़ी है वो यहां पर लागू नहीं होती है। राजस्थान के दौसा के लोगों के लिए कोरोना एक पहेली है। टेस्टिंग हो तो पता चले, स्वास्थ्य सुविधा हो तो इलाज हो, डॉक्टर हो तो सलाह दे, और मोबाइल में नेटवर्क हो तो वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन हो। ये लापतागंज है, लापतागंज। ये सिर्फ देश के नक्शे पर नजर आता है, ये सिर्फ कागजों पर दिखता है। सर गांव में कोई बीमार पड़ जाए तो उसे 9 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में जाना पड़ता है, और अगर रात को बीमार पड़ जाए तो 32 किलोमीटर दूर दौसा जाना पड़ता है। इसके अलावा इस गांव के जो बच्चे हैं, हर जगह ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है लेकिन वो नहीं पढ़ सकते हैं। समस्या यह है कि पूरे गांव में कहीं मोबाइल नेटवर्क नहीं है, जिसकी वजह से कोई भी योजना इन तक नहीं पहुंच पाती है। बातचीत करते हैं हम, अगर आपके गांव में कोई बीमार पड़ जाता है तो क्या करते हो फिर? खौराव जी ले जाते हैं। कितनी दूर है खौराव जी? है 9-10 किलोमीटर। फिर वहाँ की नेटवर्क पकड़ते हैं खौराव जी जाके, जब दौसा एम्बुलेंस के पास फोन करते हैं, जब वो आती है, जब ले जाते हैं दौसा। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, न भी कभी डॉक्टर आते हैं, ना कभी कोई नेता आता है, कुछ नहीं है यहाँ, कोई सुविधा भी नहीं है। आप देख लो, आपके सांसद विधायक कभी आए नहीं? ना, चुनाव से पहले आए थे बस। तस्वीरें गांव की बदहाली की कहानी बयां कर रही हैं। विकास क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, अस्पताल क्या होता है, सब इनकी मुस्कान में तंज जैसा है। दवाई के नाम पर गाढ़ा बथुआ है, डॉक्टर के नाम पर बुजुर्गों के नुस्खे। तो सबसे ज्यादा नुकसान महिलाओं को उठाना पड़ता है, चाहे उज्ज्वला के तहत गैस कनेक्शन का मामला हो या फिर घर में बीमारी का। क्या करते हैं, कैसे कभी बीमार पड़ता है तो क्या करते हैं आप? खाट में दर ले जाओ, ये न्याय बदरा की राबड़ी खावा था और बथुआ को साग खावा था। काली मिर्च इनकी चाय बना पी लिया था, मूसा का पानी पी लिया था, आड़ू का पानी। इलाज इनसे कोसों दूर है, अस्पताल इनसे कोसों दूर है, जागरूकता इनसे कोसों दूर है। अगर कुछ करीब है तो वो है बीमारी, लाचारी, बदहाली, अव्यवस्था, अराजकता। इन कोसों दूर का सफर भी कुछ आसान नहीं है। एक टूटी सी सड़क है और एक खाट का सहारा। अपनों को बचाना है और बहुत दूर जाना है। गांव वालों को बाहर से आने जाने के लिए सड़क चाहिए। सड़क मिल भी गई मगर सड़क कभी बन नहीं पाई। ये सड़क है, देख सकते हैं, इसे बनाने का काम शुरू किया गया था मगर पूरा नहीं हो पाया।
ये बोर्ड है जहाँ पर मंत्री महिला एवं बाल विकास विभाग, जन अभियोग निराकरण, अल्पसंख्यक मामले और वक्फ राजस्थान सरकार, मुख्य अतिथि माननीय श्रीमती ममता भूपेश, ये शिलान्यास करके गई थी 21/12/2019 को, मगर ये सड़क पूरी नहीं हो पाई और गांव वालों का कहना है कि इसी तरह के हालात हैं। सर ये आगे 2-3 पुल है तो चौमासा में कम बरसात टाइम है ना, जो रास्ता बंद हो जाता है तो महीने तो बंद रहना पड़ता है, साधन आधन नहीं जाते हैं कुछ भी। तो मैडम जी आई थी, उसने उद्घाटन कर दिया, हमने बोला था तुम जल्दी काम करो, बोला हो जाएगा जल्दी तुम्हारा काम। तो 19 में आई थी, अब 21 चल रही है। तस्वीरें कुछ और कहती हैं, कागज कुछ और कहते हैं, पब्लिक बदहाली 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 चिल्लाती रहती है, सरकार सब ठीक ठाक बताती है। देखो हमारे यहाँ पे जो हमारी PSC है वहाँ सभी जगह कनेक्टिविटी ठीक है, 47 PSC है, हमारी 17 CSC है यहाँ पे, वहाँ पे भी कनेक्टिविटी ठीक है। तो सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार ये था कि जहाँ PSC CSC डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जहाँ पे अच्छी कनेक्टिविटी हो, क्योंकि मोबाइल से अपडेटेड है और जो लैपटॉप या जो भी सुविधा अपन यूज़ कर रहे हैं वो सीधे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पोर्टल है उस पर अपन नाम चढ़ाते हैं, आधार नंबर चढ़ाते हैं, मोबाइल नंबर चढ़ाते हैं, देन उसके बाद में वैक्सीनेशन कराते हैं। दावे की पोल खुल जाती है, वादों की कलाई खुल जाती है, नेटवर्क नहीं आता सरकार तो क्या, तस्वीरें झूठ नहीं बताती। शरद कुमार, दौसा।